क्रिएटिव। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल बी क्रिएटिव पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ब्यूटीफुल मिकी माउस की पेपर बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए चाहिए अलग अलग रंग की कार्डबोर्ड पेपर, स्केच पेंस, किसी भी तरह का ग्लू, कैची, पेंसिल, पंचिंग मशीन और दो डोरियां। सबसे पहले आप इस तरह मिकी माउस के आकार का कटआउट काट लीजिए। अब एक सफेद कार्डबोर्ड पेपर लीजिए और उस कार्डबोर्ड पेपर पर मिकी माउस स्केच का इस्तेमाल करके मिकी माउस का शेप बना लीजिए। शेप पूरा होने के बाद इसे कैची से काट लें। हमें ऐसे दो शेप्स लगेंगे, एक आगे की और एक पीछे की साइड के लिए। अब हमारे स्केच को इस लाइन पर काट लीजिए। काटने के बाद हमें ऐसे दो हिस्से मिलेंगे। तो इस तरह हमें इसके चेहरे का और कानों का हिस्सा मिलेगा। मिकी माउस के बाल काले होते हैं, इसलिए हम बालों का हिस्सा काले कार्डबोर्ड पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे कैची से काट लेते हैं। हमें ऐसे दो हिस्से लगेंगे। इसी तरह हमने व्हाइट कार्डबोर्ड पेपर से चेहरे के दो हिस्से भी काट लिए हैं। अब सबसे पहले हमने जो शेप काटा था उसे लीजिए। उस पर हमें कुछ इस तरह काला और सफेद कार्डबोर्ड पेपर चिपकाना है। ग्लू लीजिए और इसे चिपका लीजिए। अब हम सफेद वाला हिस्सा चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इस पर मिकी माउस का स्केच बना लीजिए। ये होगी उसकी नाक, इसे इस जगह पर चिपका लीजिए। अब लाल और काला स्केच पेन लीजिए। काले स्केच पेन से चेहरे की आउटलाइन बना लीजिए। आंखों को पूरा काला कर दीजिए। इसके मुंह में भी काला रंग भरिए। इसकी जीभ में लाल रंग भरिए। देखिए अभी से ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। हमें ऐसे दो मिकी माउस के चेहरे बनाने हैं, कुछ इस तरह से। एक मिकी माउस के चेहरे को उल्टा रखिए, उस पर पेंसिल से चौकोनी लाइन खींच लीजिए।
कुछ इस तरह से। अब एक 7.5 सेंटीमीटर की पट्टी लीजिए। उस पट्टी को बीच में से फोल्ड कर दीजिए। बाद में इसके दोनों साइड पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फोल्ड कर दीजिए। अब इस पट्टी को हमने खींचे हुए चौकोन की तरह आकार दीजिए और इसे इस पर चिपका दीजिए। बचा हुआ हिस्सा काट लीजिए। अब इस पर फेविकॉल लगाकर मिकी माउस का दूसरा हिस्सा भी चिपका लीजिए। कुछ इस तरह से। अब इसके दोनों कानों पर पंचिंग मशीन से छेद कर दीजिए। अब इस छेद में धागा डालिए और धागे की गांठ बांध दीजिए। तो इस तरह हमारे मिकी माउस की पेपर बैग तैयार हो गई। तो अब आप इसे घर पर बना के देखिए और सबको दिखाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाने से पहले कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखिए, बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।